हे यू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अंकिता और आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। आई होप मेरा फर्स्ट व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वो आपने अभी तक देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट आर मुंबई डायरीज एंड अनायास कास्टिंग। सो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा कि हमने अनाया का कास्टिंग कहाँ पे और कैसे करवाया है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अनाया अभी नींद से उड़ गई है। हमने अब तक मैंने उसे अब तक उठाया नहीं। पहले मैं रेडी हो गई, अब मैंने उसे उठा लिया है। अब मैं उसे आज मालिश नहीं कराऊंगी, पहले ऐसे ही मिला देती हूँ और रेडी कर देती हूँ। जैसे अनाया रेडी हो जाते हैं हम लोग निकल जाएंगे मुंबई के लिए। आज वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। एक्चुअली अनाया का कुछ तो भी मेमोरी हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। आपको वीडियो में आगे पता चलेगा ही कि हम लोग क्या बना रहे हैं अनाया के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलेंगी। और आपको ये मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब मिलते हैं अनाया को रेडी करने के बाद। और मैं अनाया के बैग कैसे पैक करने वाली हूँ, हम भी बैग में क्या क्या पैक करने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरी पैकिंग कर लेती हूँ। आज जो भी मुझे लेके जाना है, मैंने सोचा कि दो टाइम बाहर का खाने से अच्छा है कि एक ही टाइम खाओ। और आंटी से मैंने पहले सुबह आके ब्रोकली के पराठे बना के लिए हैं, बहुत ही हेल्दी। तो ये मैं साथ में टिफिन में पैक करके लेके जा रही हूँ। बाप रे, आंटी ने बहुत ज़्यादा ही बना दिया लगता है, हम दोनों को नहीं तीन चार लोगों के लिए बनाया। पराठों के साथ ये लेके जा रहे हैं हम अचार, हम पूरे पिकनिक बनाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा ही बोल सकते हो आप। हेलो, और अनु उधर कर रही है। तो ये मेरी खाने वाली बैग, तो मैं इसमें बनानास भी ले रही हूँ साथ में, कि अगर बीच में कभी भूख लगती है तो सेफ्टी। और ये मेरे चॉकलेट्स मेरे फेवरेट होते हैं, चॉकलेट हमेशा मैं रखती हूँ। वेफर्स जो भी घर में है वो उठा के लेके जा रही हूँ बस। और ये हमारा खाने का टिफिन एंड अच्छा दैट्स इट। और हाँ, मैंने हेल्दी चीज़ें भी ली है बहुत सारी। ये मखाना भी साथ में ले रही हूँ, मतलब गाड़ी में भूख लगे तो रुकने की ज़रूरत ना पड़े। मैं सब कुछ साथ में हमेशा लेके जाती हूँ जब भी ट्रैवल करती हूँ। आप करते हैं अनाया की बैकपैक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई, कुछ भी रह गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार हमारी हो गई है ऑलरेडी। तो उसका एक नैपकिन मैंने ले लिया, उसका दुपट्टा एक लेती हूँ, अगर मुझे फीड वगैरह करना रहा तो वो मुझे काम में आता है। उसके दो ड्रेसेस मैं कैरी करती हूँ, यू नेवर नो तो क्या तांडव हो जाए, पता नहीं। और फिर मैंने डायपर चार पाँच ले लिए हैं, दिन भर के लिए लग भी सकते हैं। उसके वेट वाइप्स एंड ये तो मेरा गॉगल है, इसे डाल देती हूँ। गॉगल के साथ साथ कैप की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि धूप रहने वाली है। और मैंने वाटर बॉटल भी साथ में ले ली है, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। अगर आप भी कभी आपकी पैकिंग कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें लिस्ट आउट करके रख सकते हो, आपको बहुत काम में आएगा कि क्या क्या लेके जाना चाहिए कभी भी हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों को लेके। एक दो चीज़ें मैं वैसे ही भूल गई थी, तो एक शर्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया है। मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अनाया ने कुछ गलती से भी कर दिया तो मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी, तो मुझे कुछ ना कुछ लगेगा। इसलिए आप भी अगर कहीं पे जाते हो तो एक पेयर ज़रूर साथ में रखिएगा। तो एक शर्ट साथ में ले लिया है। और उसकी ड्राई शीट मैं भूल गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ अभी। और अनाया रेडी है, मैं रेडी हूँ, हम लोग रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं मुंबई के लिए। हम लोग रेडी हो गए, अनाया दिख नहीं रही, एंड वी आर ऑन द वे। ये देखो अनाया थोड़ी देर में ये सो जाने वाली है, डायरेक्ट सोने वाली है। और देखो उसे कैमरा में कैसे देखना है। हम लोग घर से कुछ खा के नहीं निकले थे, तो चाय भी पीनी बची थी। चाय तो वैसे आजकल छोड़ दी है, बट हाँ आज तो पूरा चीट डे करना था, हम घूमने निकले हैं क्योंकि। तो फिर हमने पराठा वगैरह खाया वहाँ पे, थोड़ा ब्रेकफास्ट जैसे, और फिर हमने वहाँ पे चाय वगैरह पी। तो चाय नाश्ता के बाद थोड़ा रिफ्रेशिंग लगा। जब भी हम लोग ऐसा थोड़ा लंबा ट्रैवल करते हैं लाइक 2-3 आवर्स का, तो एक बीच में ब्रेक ज़रूर लेते हैं ताकि थोड़ा रिफ्रेशिंग लगे, गाड़ी चलाते चलाते भी थक ना जाए और ड्राइविंग पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए। गर्मी चली, गर्मी चली चला। क्या
और साथ ही साथ नया भी थोड़ी सी रिफ्रेश हो गई, थोड़ा सा उसके साथ भी खेल लिया, फिर निकले हम लोग आगे की जर्नी के लिए। तो जैसे हम मुंबई पहुंच गए, सबसे पहले हम लोग गए अनाया की कास्टिंग करने के लिए, उसी पर्पस के लिए हम लोग मुंबई गए थे एक्चुअली। वैसे भी हमें घूमना था तो सोचा चलो क्यों ना ये भी काम हो जाए और घूमना भी हो जाए। Oh wow, this is nice. अभी आंटी के साथ दोस्ती हो गई है ना? तो हम लोग गए थे सोनल शर्मा इनके घर में कास्टिंग करवाने के लिए, जो कि एक आर्टिस्ट है और इस फील्ड का उनका काम बहुत ही अच्छा है। मैंने वैसे बहुत सारे पेजेस ढूंढे थे इंस्टाग्राम पे और इनका काम मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इन्हें चूज़ किया। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका इंस्टाग्राम पेज जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। वो आ जाते ही पहले तो वो अनाया के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उन्हें अच्छे से कास्टिंग करने दे, और फिर उन्होंने उनका काम स्टार्ट किया और अनाया ने भी बहुत ही पेशेंस रखे और बहुत ही अच्छे इम्प्रेशन उन्हें दिए। दिस इज ऑल अबाउट अनायाज हैंड्स एंड फीट कास्टिंग। जैसे फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जरूर करिएगा, मैं नीचे आईडी मेंशन कर रही हूं। अगर आप भी आपके बेबी का इस तरीके से कास्टिंग करवाना चाहते हो फॉर लाइफ टाइम मेमोरी या फिर कपल कास्टिंग करवाना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। मैं उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, साथ ही में उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें लग गई थी जोरों से भूख, क्योंकि हमने आज लंच स्किप किया था, हेवी ब्रेकफास्ट ही किया था। तो फिर हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में जो कि वाशी में बहुत ही फेमस था, विहार करके, हमने गूगल पे ऐसे सर्च किया और वहाँ पे चले गए। अनाया वहाँ पे मस्त खेल रही थी, तब तक हमने वहाँ पे पिज्ज़ा ऑर्डर किया और पिज्ज़ा एंजॉय किया। जब भी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं ना तब हम खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, पूरा जंक खाते हैं हम लोग। यू कैन से हम पूरा चीट डे एंजॉय करते हैं। आगे आगे आप बस देखिएगा हमने क्या क्या नहीं खाया है। थोड़ा सा डिस्टेंस और हमने क्रॉस किया और उसके बाद हम मुंबई पुणे हाईवे पे जो उडुपी टू मुंबई है वहाँ पे रुके, क्योंकि वहाँ का ब्राउनी हमें बहुत पसंद आता है। हम जब भी वो रास्ते से जाते हैं तो हम लोग ब्राउनी ज़रूर ट्राई करते हैं, तो उसे मिस भी नहीं करना था इसलिए वहाँ पे रुके, एक ब्राउनी खा भी दिया, दो पार्सल भी ले लिए। और रोशन ने कहा लास्ट टाइम उसने साबुदाना ट्राई किया था और बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने वो भी ट्राई कर लिया, बट साबुदाना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। रोशन भी कह रहा था कि लास्ट टाइम का कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, आपका कुछ मुझे पसंद नहीं आया, और उसे भी पसंद नहीं आया। तो यू कैन ट्राई इफ़ यू लाइक इट। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो देखिए इस तरीके से एक जगह पे नहीं खाते हम, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जाके खाएंगे, थोड़ा वहाँ पे जाके खाएंगे, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ वहाँ की स्पेशल जो है वो ट्राई करते रहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टॉप हमने लिया मैप्रो गार्डन में। लोनावला से हम जा रहे थे तो मैप्रो गार्डन को कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम लोग मतलब पुणे से कभी कभी ऐसे ही लोनावला से जाते हैं सिर्फ मैप्रो का स्ट्रॉबेरी शेक पीने, और वो बहुत टेस्टी होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आपको भी वो पसंद आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से हमने हमारी ट्रिप बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। अनाया की ये फर्स्ट इतनी लॉन्ग ट्रिप थी, वैसे तो हम लोग नागपुर तक गए थे पर उसे ट्रिप नहीं कहेंगे, उसे टास्क कहेंगे। तब बहुत छोटी भी थी, उसने कुछ एंजॉय नहीं किया, बट इस बार उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और वो बहुत ज्यादा टायर्ड भी नहीं हुई थी। अगर आपको हमारी जर्नी के बारे में या फिर हमने कैसे ट्रैवल किया इसके बारे में और कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया है, मेरा ब्लॉग आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने ट्राई किया कि आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊं ताकि आप भी अगर आपकी ट्रिप इस तरीके से प्लान कर रहे हो तो आपको हेल्प हो जाएगी मेरे ब्लॉग से। एंड हाँ, मैंने जो जो चीजें आपको वीडियो में दिखाई है खाने की, इट वॉज ऑल सुपर गुड, यू कैन ट्राई दैट। एंड मुझे कमेंट में बताइएगा आफ्टर ट्राइंग कि कैसे लगा आपको। एंड हाँ, अगर आप भी अनाया की तरह हैंड कास्टिंग करवाना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू सोनल शर्मा, नंबर एंड इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।